गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस, मैं मतलब जो हमारा घर है उसके पीछे जो ये नेचुरल सा व्यू देख रहे हो, यहाँ आया हूँ स्पेशली वीडियो बनाने के लिए। और आपको पता है जो मैंने स्टार्टिंग में जो बाइक बनाई थी वो पर्सनली अपने यूज़ के लिए बनाई थी, तो उसमें डाले थे जो मैंने एलॉय व्हील डाले थे वो ओरिजिनल डाले थे। बट मेरा प्लान था कि उनको चेंज करके मैं जो वो मर्सिडीज लोगो वाले एलॉय व्हील आते हैं वो डालूंगा। तो इसलिए मैंने जो मेरे ओरिजिनल एलॉय व्हील थे वो मैंने अपने फ्रेंड को सेल आउट कर दिए एंड न्यू मैंने एलॉय व्हील मंगा लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो हमें पड़े हैं वो करीब करीब 6,000 रुपये के आसपास जो एलॉय व्हील NKS वाले आते हैं, तो वही वाले मंगाए हैं, मर्सिडीज लोगो वाले, बहुत ही औसम लगेंगे। पहले सोचा था मैंने कि मैं ब्लैक कलर में मंगाऊं, बट ब्लैक कलर का क्या ना, कुछ दिन बाद पता नहीं फेड हो जाए कैसे हो, तो इसलिए मैंने सिल्वर ही कलर के मंगाए हैं। बहुत ही शानदार लगने वाले हैं, एक बाइक के लिए और मंगाए थे तो वहाँ से देख के मैंने अपने लिए मंगाए हैं, इसलिए अब चलेंगे हम इंस्टॉल कराने के लिए। हाय मेरी जान, पहले गाइस इस वाली बाइक से हमारा जो यूट्यूब का नाम है वो ख़राब हो रखा है। पहले इस वाली बाइक से चलते हैं हम पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि उस बाइक में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। और ये भी मैंने अभी बनाई है, देखिए मस्त बनी है ना। और देखिए डाल दे भाई टैंक में ऑयल, जो सपाट पेट्रोल ही है। तो देख रहे हो गाइस, ये मतलब इतनी गंदी हो चुकी है गाड़ी। ये मैंने रिम फिट कर लिए थे कुछ दिन के लिए, बट बहुत बेकार चलती थी गाड़ी, तो अब एलॉय फिट करेंगे। तो गाइस ये हैं एलॉय व्हील हमारे, ये देख रहे हो भारी तो है। साई पराडो NKS वो माल है। आतिफ अंदर निकल ले अब। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एलॉय व्हील लगा दो फ्रेंड्स। तो गाइस तोड़ते हैं व्हील ये। फिट हो चुके हैं, अब मैं सीट कवर और चेंज करा लेता हूँ। देखिए गाइस कितनी बेहतरीन लग रहे हैं एलॉय व्हील, और धुलने के बाद वॉश होने के बाद मस्त लग रही है गाड़ी। You ain't new tomorrow.